छु जाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू जो हर दम प्यार करेगा, अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए, नहीं मसा से करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश कर, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, डरूंगा मेरा ये सोच मेरे साथ है, डरूंगा मेरा ये सोच मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको हमें मेरा हाथ है, मेरा डरूंगा मेरा ये सोच मेरे साथ है, डरूंगा मेरा ये सोच मेरे साथ है, चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा काम है मुझको जे विश्वास है, डरूंगा मेरा ये सोच मेरे, डरूंगा मेरा ये सोच मेरे साथ है, अपने हाथों को उठाओ शाबाश, और इसी समय परमेश्वर के सामने इसी समय मांगो। आप जो अपने मन की बात खोल रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, अभी इसी समय आपकी जुबान को सुनना चाहता है, आपके अंदर की गहराई को वो जानना चाहता है। आप इसी समय अपने दुखों को अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। अबलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग इस समय चर्च में खड़े होकर पवित्र आत्मा जी मेरे पिता घंटों घंटों से परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तू आज मेरे पिता परमेश्वर बंद ताले की चाबी ने देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आशीष इनकी होगी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए, हर एक आशीष इनके लिए खुले यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ आज इन्हें चंगाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबला, मैं एक छोटा सा कोर्स गाऊं, बोलो बोलो यीशुआ, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके दुख को खत्म करना चाहता है, वो इस लाइन में आपके बंधन तोड़ना चाहता है, हमारे बीच में यीशुआ, बोलो बोलो यीशुआ हमारे बीच में, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार दिल की गहराई के साथ कहे, तू ही ने मेरा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। सुने बहुत सारे लोग जो हैं इस गीत को नहीं गा रहे, कुछ लोग अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं, मैं आपको सुनना ध्यान से, आपने जो अपने मन में परमेश्वर को आपको बताना है, जो आपको अरदास करनी है, जो आपको मांगना है परमेश्वर से, इस समय आपको एक लाइन गानी है इस गीत में जो आप गा रहे हैं, जो ये पास्टर अभी गा रहा है ये गीत, जब आप गाएंगे आपकी प्रार्थना की अंदर की जो रिक्वेस्ट है वो परमेश्वर अंदर से ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय गाओ गाओ, बोलो बोलो यस यस यीशुआ हमारे बीच में, यस यीशुआ इनके दिल में आ परमेश्वर, इनके घर में आ, इनके बिजनेस में आ, इनके जीवन में आ परमेश्वर, हमारे बीच में आ, सच में आ परमेश्वर,
तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। हर एक टूटे हुए मन से जो इस समय तेरे सामने आराधना कर रहा परमेश्वर, आज इनके दर्द को ले ले परमेश्वर। जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने, पवित्र आत्मा जिस समय गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर, जो तेरे सामने आ है भर कर गा रहे हैं, इसी समय तू छू ले आज अपने लोगों को, तू छू ले आज, तू टच कर मेरे परमेश्वर, इनकी आत्मा को छू ले आज परमेश्वर, इनके हृदय को छू ले आज यीशु मसीह के नाम में। हर दर्द आज जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, हर शराब आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन इनके ऊपर से टूट जाए, हर बीमारी का बंधन जाता रहे, जो आमीन कह रहे आज आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हमारे बीच में ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मां यीशुआ हाथों को उठाओ ऊपर की ओर देखो, बोलो बीच में आएगा, हमारे बीच में, आपके बीच में यीशु के नाम पर, बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ हमारे बीच में। हाथों को उठाकर इन चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे, हाथों को उठाकर इन चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। बोलो आ अपनी आवाज से कहें, अपने मुंह को खोलें और बुलाएं परमेश्वर को। आज किसी का भी फाइनेंस रुका हुआ है, बढ़ जाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। वो आज हर हालात को चेंज करेगा, आपका मौसम चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आज से आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूँ हर गुस्से का विचार निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर पाप के विचार निकल रहे हैं बाहर यीशु मसीह के, हर तंगी की प्रॉब्लम इसी समय आर्थिक तंगी के शराब टूट रहे हैं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे आज के बाद, हमारे बीच में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो यहाँ पर इस समय जो माए जो औरतें परेशान है, किसी को नशे को लेकर, कोई उनके घर में जन कोई नशा करता है, कोई नशा करता है, उनके लिए बोल रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कोई नशा करता है अब इसी समय परमेश्वर बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है आपके घर से नशे के, यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे, ध्यान से सुनो, जिसके पास बेटा नहीं है, पीछे पीछे एक कैबिन है, पीछे एक कैबिन है, खाली कैबिन है, सब वहां पहुंच जाऊं मैं ऑनलाइन आपके लिए, मैं कैबिन में स्क्रीन पर देख रहा हूं, और उसी समय मैं एक रुमाल भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां से पिछला कैबिन एक खाली कैबिन है, उसमें दौड़कर जिनके पास बेटा नहीं है, सिर्फ लेडीज, जेंट्स नहीं जाएंगे, लेडीज उस कैबिन के अंदर जाओ, मैं इतने ये कोर्स गा रहा हूं और मैं स्क्रीन पर फुल करके रखना, उसको स्क्रीन पर दिखाना दो मिनट के बाद, फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं यीशुआ हमारे बीच में। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, जिनके पास बेटा नहीं है उस केबिन में चले जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको भी छुएगा, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना वहां पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा। एक माइक लेकर चले जाओ लड़का वहां पर, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई सरोज है यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। सरोज मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में, कोई सरोज है यहाँ पर, और इसी समय जो है तो दूर से चिल्लाए, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे देखता हूँ उस बहन को, क्या तू जहां पर भी खड़ी है, जहां पर भी ऑनलाइन है,
डिस्टर्ब ना करें कोई, चुपचाप। मेरे को आवाजें आ रही हैं यहाँ पर, आप शांत से। ए वॉलंटियर, तेरी आवाज आ रही है मुझे। अब इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर से जो आप कहना चाहते हैं आज कहो। मैं इसी समय देख रहा हूं कुछ बहनें अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर निराश थी कि नशे की बारे के अंदर, कि नशे करते हैं घर के अंदर, लेकिन आपको तीसरे महीने के अंदर गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यह क्रिसमस आपके लिए मैं करवाशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। मैं देख रहा हूँ वो नशे के शराब टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, और नशे के बंधन टूट रहे हैं। जिनके घर में कोई नशा करता है हाथों को उठाऊं, मैं देखना चाहता हूँ। और उसी समय जो कोई नशे करते हैं, जिनके पति जिनके बच्चे नशे करते हैं, मेरे हाथ की तरफ देखो और उसी समय फुल कर स्क्रीन पर, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। इसी समय एंजल जाओ, इस अनॉइंटिंग को रिलीज करो इनके ऊपर। जब ये इसी समय अपने परिवार के जन से किसी से हाथ मिलाएं या उसके चेस्ट पर हाथ रखें, इसी समय उसके अंदर से वो नशे करने वाली आत्मा बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं आपके हाथों पर यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई जन यहां पर किसी से नशा करता है और नहीं छूट रहा है, अभी हाथ रखना, दो मिनट के अंदर बेहोश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ उठेगा, उसका जीवन बदलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, खुदा दिल छू लेना जिंदगी बदल। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम जी से, आर से, एस एम एन पी से और के से है। इस साल के एंड में मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, मैं एक महीना बोलता रहूंगा। आत्मा आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा है आपके घर के लेंटर पढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में, जो किराए के मकान पर रहते हैं, गुड न्यूज है उनके लिए। खुश हो जाओ, ताली बजाकर आज हालेलुया बोलकर चिल्ला सकते हो आज आप। विश्वास करो आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। मुझे उस स्क्रीन पर दिखाऊं वो कैमरा, और जहां पर लोग, हाँ पास्टर धर्मेंद्र, ये सब बहने, इनके पास बच्चा नहीं है। यस हाँ हाँ पापा, ये सारी जितने भी पूरा कैबिन भरा, इन सब के पास बच्चा नहीं है। देखो हजारों लोग जिनके पास बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने बुलाया कि आज लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर आगे नहीं आ सकते आप। लेकिन उस कैबिन में आपको स्क्रीन पर, आपको कैमरे के सामने स्क्रीन पर देखना है, और मैं तीन गिन रहा हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो उस अनॉइंटिंग को आपको लेना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा आज के बाद। ध्यान से सुनना है, तीन महीने के अंदर आप जितनी भी औरतें यहां पर खड़ी हैं इस कैबिन में, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप गर्भवती होंगी यीशु मसीह के नाम में। कैमरा मारता रहा इनकी तरफ, मुझे सबकी शक्ल दिखा। हाँ शाबाश, ऐसे करके फिर से कहूं, फिर से कहूं, मुझे प्यार किया तू ही ने मेरा। हाँ सुनो सुनो सुनो, यहां पर कौन है ऐसे, पूजा, पूजा कौन है आप में से जिसके पास बच्चा नहीं है? पूजा पूजा तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी करूँ मैं पूजा? हालेलुया हालेलुया, प्रॉफिट इस बहन का नाम पूजा है। हाँ सारे बोल हालेलुया हालेलुया। जिसके पास बच्चा नहीं है वो उस कैबिन में जाए पीछे। पूजा किसे मैं बात कर रहा हूँ? हाँ क्या नाम है बेटे आपका? पूजा। पूजा तो बड़ी दूर खड़ी है, और वहां से भी प्रभु तेरे से प्यार करता और तुझे देख रहा और सुन रहा है। मैं आंख बंद कर रहा हूँ और तेरे आस पास परमेश्वर आशीषों को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि एक सेवन डेट और सातवां महीना तेरे घर में बरकतों का महीना होगा यीशु मसीह के नाम में। 2023 तेरे लिए सातवां महीना आशीष का होगा। यस आमीन। सात जन कौन है तेरे घर में, या सात डेट किसका है? ऐसा कोई जन है जिसका सातवें महीने में या सात तारीख कुछ हुआ है आपके नाम से? और प्रदीप, परवीन, ऐसे कौन है? हालेलुया, सात तारीख को इनका जन्मदिन है। और प्रदीप कौन है? प्रदीप, yes. मेरे हस्बैंड प्रदीप। तारीफ करेंगे जोर से। बोलता मेरा यसु, 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया। समझ में, रो रही है वो, क्यों रो रही है? होली स्पिरिट उससे बातें कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको देख रहा है, और इसी समय यहाँ पर उसकी प्रेजेंस है।
यहाँ पर आप जितनी भी औरतें खड़ी हैं, आप इतनी दूर से वहां पर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद पास्टर को मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, यहीं से परमेश्वर को आपका चेहरा नजर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप कहीं भी छुपे हुए हो, इतनी दूर से मुझे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप में से कोई जन, कोई ऐसे उसको रानी बोलते, रानी उसके घर में, जैसे बहू को बच्चा नहीं है, आपके आपके बेटा नहीं है, या आपकी सास का नाम है रानी, आप में से कौन है मुझे फटाफट इसी समय चेक करो और बताओ। और मैं देख रहा हूँ ऐसे, हाँ कौन है रानी, हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसे, बहन बता रहे इसकी सास का नाम और क्या क्या कर रहा है, माइक ठीक करिए, इस सास का नाम रानी है और इसके पास बेटा नहीं है, इसकी सास का नाम रानी है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर आपकी सास को भी जानता है, आपके आपके परिवार के हर एक मेंबर को जानता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कोई बहन है, रेखा बेटा नहीं है उसके पास, सामने आए फटाफट, हाँ रेखा मैंने तुझे देखा, जल्दी कर, हाँ अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, मैं देख रहा हूँ, यस क्या नाम है, हालेलुया, हाँ हाँ रेखा, हाँ परमेश्वर ने तुझे देखा है, तुझे बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि अभी इसी समय आप मेरे से बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन मैं आत्मा में होकर देख रहा हूँ कि आप लोगों के नाम देख रहा हूँ, पूनम कौन है, पूनम, हाँ पूनम, बेटा नहीं है उसके पास, दौड़ कर आए शाबाश फटाफट, पूनम पूनम, यस हालेलुया, बोलता बोलता, क्या नाम है, क्या नाम है, यस क्या नाम है, पूनम, जोर से तारीफ करें, जैसे देख रहा हूँ कोई ज्योति है, ज्योति बेटा नहीं है उसके पास, जैसे देख रहा हूँ आत्मा में आपके घर में आपकी बहन है वो, मैं देख रहा हूँ, यस हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, प्रभु जी इस बहन का नाम ज्योति है, बेटा नहीं है, बोलता बोलता मेरा यीशु, बोलता बोलता मेरा यीशु। मैं कह रहा हूँ कि आशीष लेने के लिए खड़े रहना पड़ता है, खड़े हो जाओ अपने अपनी अपनी जगह पर, खड़े हो, कौन बिठा रहा है आपको, खड़े हो जाओ आप, किसने बिठाया आपको, किस वॉलंटियर ने बिठाया उसको, मुर्गा बना दो, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, आपको सुनना है ध्यान से, आप जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जब तक मैं स्टेज से नीचे नहीं आ रहा आप खड़े रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस है इधर, यीशु मसीह के नाम में बातें कर रहा है। कितने लोगों के नाम, कौन है बताएं, ज्योति क्या नाम है तेरा, ज्योति नाम है सर, ज्योति कहाँ से आई है तू, मैं यमुनानगर से आई हूँ, यमुनानगर से, मेरे से मिली है कभी नहीं पास्टर जी, इतनी दूर से आई 100 किलोमीटर से, कैसे खर्च के आई है, पूरे हो गए कि नहीं आज, हाँ जी, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनो आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं कि मैं कहां से आया हूं कहां से नहीं, देखो प्रभु बताता है, पूजा जिससे मैंने पहले बात किया, पूजा चेहरा दिखा मुझे उसका, हाँ पूजा, हाँ पूजा पूजा, झारखंड, झारखंड से आया कोई, कोई झारखंड, कोई 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 झारखंड या उड़ीसा से, कहां से आया, हाँ अभी सुनो, अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जितने भी यहाँ पर हैं, आप जहां से भी आए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे के ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और इसी समय अपने पेट पर हाथ रख लेना, जब मैं हाथ उठ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके हाथों पर परमेश्वर एक बड़ी अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में खोल देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जब अपने घर पर हाथ रखे आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक अपने हाथों को अपने पेट पर रखो, जो लोगों को बीमारियां हैं, जो लोग बीमार हैं, पेट की समस्या जुड़ी हुई है, पेट पर हाथ रखो, जिन औरतों के पास बच्चा नहीं है, पेट पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह छुए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो कब्ज, वो एसिडिटी, वो पेट के सारे अल्सर, वो शराब, इसी समय इन्फेक्शन भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु इनके हाथों पर उस अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में, या आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ये सब बहनें जो जिनके पास बच्चा नहीं है, हाथों को उठा लो, जिनके पास बच्चा नहीं है हाथ पकड़ो दूसरे का, और इसी समय मैं तीन गिर रहा हूँ, आपकी आशीषें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। उस अनॉइंटिंग को महसूस करेंगे आप अभी इसी समय। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, मैं एक बोलूंगा और जोर से बोला यीशु एक। वो उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिनके पास बच्चा नहीं है, दो तीन, ये देखो सामर छू रहा है, टच पावर, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल। हाँ
परमेश्वर आपने जिन औरतों को छुआ इसी समय पवित्र आत्मा इनके घरों में परमेश्वर खुशियों की लहर दौड़ने पाए आज यीशु मसीह के नाम। अभी इसी समय जितने भी वहां पर लोग खड़े या पास्टर खड़े इन सबके सिर पर हाथ रख दो आज से, इसी समय हाथ रखवा कर जाना अभी इसी समय इस कैबिन के अंदर, अभी इसी समय गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तालियों के साथ हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे सभी जन, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अपने जोरों रे जाओ जलाने में आओ, अपने जोरों रे जाओ जलाने में आओ, मेरे रूह का बसा हमें, और जगिए और जगिए और जगिए तेरा जलाने में आओ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से ताड़ी बजाएंगे, बैठ जाएंगे सब। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। हाँ हाँ, अभी इसी समय सब अपने सिर पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, जल्दी जल्दी से हाथ रखें, शाबाश। अपने सिर पे हाथ रखें, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे प्रभु जो लोग आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे इनके घरों में तेरी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर, तेरी सुरक्षा इनके ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। गवाही के साथ हालेलुया। गवाहियों का टाइम है, सुनेंगे ध्यान से। उधर नहीं, गवाहियां इधर ही ले ले। गवाही के साथ, हाँ शाबाश, हाँ हाँ गवाही ले बैठे। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है, इसका बच्चा बचपन से डेढ़ साल से चल नहीं पाता था, और ये बता रहे कि जब ये यहाँ पर आए, इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर विश्वास के साथ लिया, और ये बता रहे कि इनका बच्चा चलने लगा है, चंगा हो चुका है। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। यीशु मसीह की जय। मैं ऑनलाइन रिसीव करती थी, और पिछले साल कहाँ से आई बेटे? मैं अंबाला से आई हूँ पापा जी। अंबाला से आई है। मेरा बच्चा ये चलता नहीं था, अभी चार साल का है। पिछले साल सितंबर में आई थी, तो ये आज इस साल आई हूँ तो ये चलना लगा है। हालेलुया। देखो आपके सामने ये बहन बता रही है कि ऑनलाइन ये देखती थी और चार साल से आपका बच्चा चलता नहीं था। कितने साल से? चार साल से चलता नहीं था। चार साल से बच्चा चलता नहीं था, और जैसे ही यहाँ पर आए अब बच्चा चलने लगा। चलने लगा है। नीचे खड़ा करो उसको, शाबाश। हाँ चलो बेटे, चलो शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं कि बच्चा जो नहीं चल रहा था वो चलने लगे, खड़ा होने लगे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ बोलो, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी। साडा यीशु अज मोड़ विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज मोड़ विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे।
ध्यान से सुनेंगे, एक लाइट लगाओ उधर, लाइट लगाओ उधर, लाइट लगा, अंधेरा आ रहा है, मुझे शक्ल नहीं दिख रही इनकी, नहीं तो गवाही इधर ही ले ले, इधर ही ले, शाबाश। एक गवाही लेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे फटाफट। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। मैं जिसको छोड़ूंगा कभी तन कर दूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा कभी तन कर दूंगा। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके बेटे को बीमारी हो गई थी, स्किन एलर्जी, और ये बताए कि वो वायरस ऐसा था कि वो लाखों बच्चों में किसी एक बच्चे को वो बीमारी होती है। ये बताया कि बहुत जगह दिखाया उस बच्चे को, पर कहीं से कोई असर नहीं हुआ। विश्वास के साथ इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना करवाया, एनॉइंटिंग वाटर यूज किया, और ये बताया कि ये बच्चा उस एलर्जी से, उस बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुका है। हेलो, हालेलुया, जय मसीह की। मैं एमपी सिंगरौली से आई हूँ। मैं अपने बेटे की गवाही देने, मेरे बेटे को ब्लड में एक वायरस हो गया था जो पूरा उसका ब्लड खराब होने के कारण इसकी जो खाल थी वो गल गल के गिर रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैंने प्रेयर टावर में डेली फ़ोन करा के अपने बेटे के लिए प्रेयर कराती थी, और मेरा बेटा आज हील हो चुका है, और आज आप लोग के सामने मैं आई हूँ गवाही देने के लिए। परमेश्वर और पापा जी को लाखों लाखों मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में, शाबाश। हाँ, कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए? सिंगरौली एमपी। सिंगरौली से, एमपी से जी। और कब से थी प्रॉब्लम ये जी? मैं, मेरा बेटा 11 साल बाद हुआ था, वो भी मैंने प्रेयर टावर पे। आप सुने ध्यान से, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। 11 साल से बता रहे हैं कि एमपी से आई है, 11 साल से बच्चे को एलर्जी थी। 11 साल से नहीं थी, 11 बाल बाद बेटा हुआ, फिर ये 2 साल पहले एलर्जी हुई थी, और मैं सिर्फ गवाही देने के लिए आई हूँ यहाँ। 2 साल से थी, 2 साल से एलर्जी थी। बेटा कितने साल बाद हुआ? 11 साल बाद हुआ। 11 साल के बाद बेटा हुआ, उससे पहले कोई बच्चा नहीं था? नहीं। आप सुन रहे हैं, कितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि नहीं? Yes. क्या आप उसके लिए चिल्ला सकते हैं हालेलुया बोल कर आज? मैं जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा। देखो, ये छोटी बात नहीं है, 11 साल थोड़े नहीं होते। 11 साल से इनके पास कोई औलाद नहीं था, और ये एमपी से ऑनलाइन देख रहे थे, यहाँ पर आए। आज परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग दी और गवाही देने के लिए आए हैं। 11 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया। नहीं, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च। परिकता ते परिकता ते परिकता मेरा यीशु लेके आया है। परिकता 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 ते परिकता ते हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो। विश्वास के साथ, गवाही के साथ, शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये पूरी फैमिली गवाही देने के लिए मुंबई से आई है, और ये बता रहे कि 16 साल से इनके पास बच्चा नहीं था। बहुत जगह घूम लिए, बहुत इलाज करवा रहे थे, लेकिन कहीं से भी कुछ इनको बेनिफिट नहीं हो रहा था। विश्वास के साथ चर्च में आए और लेहन प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने 16 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। बरकता पे बरकता पे बरकता मेरा यीशु लेके आया है। बरकता 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 बरकता। यस, बोलो यीशु मसीह की। अब इसी समय हाँ गवाही सुनेंगे, शाबाश। मीनाक्षी, पास्टर अशोक से बात कर, कहाँ बोला मैंने उसको, माइंड को अपने ठीक कर। हालेलुया, हम लोग मुंबई से आए, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहन को कितना 16 साल से बच्चा नहीं था, और सब लोग जगह गए, हर जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दवा खाना भी किया उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। स्क्रीन चला यार, ये 4 साल से वो प्रभु में
फिर इधर भी आए चंडीगढ़ में और प्रार्थना कराया और तेल और पानी वाटर भी यूज किया और परमेश्वर ने 2 महीने का, अभी बच्चा 4 तारीख को 2 महीने का हो गया है, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते सब लोग। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है इस गवाही से, हाथ उठाओ। 2-4 लोग हैं परमेश्वर आपको सुन रहे। देखो 16 साल से इनके पास औलाद नहीं था। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कान लगा के सुन रहे थे, कितने लोग सो रहे होते हैं। 16 साल से बच्चा नहीं था और कोई बच्चा नहीं था और आपके सामने ये बता रहे हैं कि मुंबई से पहली बार आए, ले हैंड प्रे कराई और आज बेटे के साथ आए हैं। तारीफ करो चोर से यीशु मसीह के नाम में। बरकता पे बरकता, कौन है ये, कौन है? अरे यीशु है कि नहीं? यस। बोलो आरी आरी आरी, ओए हो आरी आरी आरी, यीशु दया यीशु दया यीशु दया, लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी, यीशु दया लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी, ओ दिता जो ना दी यीशु ने। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। विश्वास करो विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश। सुनेंगे फिर से, सुनो ध्यान से, किसने बताया था आपको क्या करना? YouTube पे देख रहे थे जब लॉकडाउन हो गया था तब से। YouTube पर देख रहे थे आप? हाँ। और मैं कह रहा था कि जिसके पास बच्चे नहीं, आ जाना हमारे चर्च में। Yes, आप देखते हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा था 16 साल 18 साल 15 साल 20 साल आपके पास औलाद ना हो, एक बार विजिट करके जाओ। मैं फिर कह रहा हूं अगली बार खुशियां आपके घर दौड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। आरी 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 आरी, यीशु दया यीशु दया यीशु दया, लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी, यीशु दया लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी, ओ दिता छोया ना दे यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, बोलो यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलोगे तेरे घर भी बेटे की आशीष आ रही है। अरे क्या बात है, हाथ नहीं मिला रहे? आपको नहीं चाहिए, अपने पड़ोसियों को दे दो आज यीशु मसीह के नाम में। आपके आपके साथ कोई ऐसा जानकर तो होगा, रिश्तेदार होगा, उसको आशीर्वाद दे दो आज, उसके घर भी बेटा हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इस बहन की शादी को 7 साल हो चुके हैं और इसके पास बेबी बॉय नहीं था और ये कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स भी इनको जवाब दे चुके थे। ये बता रहे कि विश्वास के साथ चर्च आई और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया और ये बता रहे गुड फ्राइडे के दिन आपने इनका नाम लेके प्रोफेसी किया था, इसने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और आज परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जावे ना किसे तो खोया, दिता जोया ना दी सुने, जावे ना किसे तो खोया। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हाँ बेटे कहाँ से आए? दिल्ली से पास्टर जी। हाँ बताओ ना फिर। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं सामने देखो कैमरे के सामने। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे हस्बैंड गुड फ्राइडे वाले दिन आए थे और आपने मेरे नाम लेके प्रोफेसी की थी और मुझे बेटे के साथ ब्लेस हो। अभी सुनो, देखो ये बहन बता रही है कि दिल्ली से आई है और गुड फ्राइडे के दिन आई थी। कितने साल से शादी को, कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल हो गए। बेटा चाहते थे आप? हाँ जी बेटा चाहते। ये कौन आपके साथ? मदर इन लॉ। वो क्या होती है? सासू माँ। अच्छा ऐसे बोलो, सीधा सास है मेरी। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपके सामने है, देखो कि वो बता रही दिल्ली से आई है और सास को साथ लेकर आई है। जोर से ताड़ी बजाओ जरा सास के लिए आज। बहुत ही बंगू बहुत ही बंगू। सुनो ध्यान से, और इनके पास 7 साल से बेटा नहीं था, जब ये गुड फ्राइडे के दिन आए इसके लिए प्रोफेसी हुआ था और ये खुद बता रही है अब
कि आज वो प्रोफेसी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि जितनी बहनों के लिए भी मैंने प्रोफेसी किया, जिन लोगों के लिए किया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है मेरी, वो आपके घर गुड न्यूज आएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लड़के का मुंह तो दिखाओ भाई। अच्छा ये तो बिल्कुल कैमरामैन, ये तो अपनी सांस पे गया बिल्कुल। हाँ जोर से तारीफ करो, दादी भी गया, तारीफ करो जोर से। राइए 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 राइए। सुनो सुनो सुनो, सांस कहाँ जा रही, सांस सुनो, सांस नाच के दिखा मुंडा है तेरे घर। चलो 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 राइए 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 राइए। तोते बगो तोते बगो तोते बगो, नच नच के ओदे नाम दी महिमा। राइए तोते बगो नच नच के ओदे नाम दी महिमा। मैं तो ऐसे ही झूठी तारीफ नहीं करता था सांस की, इसका मतलब सांस भी कमाल करने वाली होती है। हालेलुया हालेलुया, जोर से तारीफ करो। चलो चलो शाबाश, जितना जय नदी सुने जावे ना किसे तो को बोलो यीशु मसीह की। हां जी दी शाबाश। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहा है कि 13 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन वो लग रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। आपने प्रोफेसर, आपने अनाउंसमेंट किया था कि जो सेवा के लिए नाम लिखवा रहे हैं परमेश्वर उनके घर के अंदर मिराकल कर रहा है। भाई बता रहे कि सेवा के लिए नाम लिखवाया, फर्स्ट संडे सेवा में आया और मंडे को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाऊं और जिसे मैं अपनी आंखों पर हाथ रखूं, जो आप नहीं देख पा रहे वो भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों पर हाथ रखूं जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, रखो शाबाश। और जिसे मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आपको जो नहीं दिख रहा है अब वो दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। हर चीज आपके घर पर वो दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। आमीन। बेटे बताएंगे किधर से आए, बताएंगे शाबाश। सारी कलीसिया को जय मसीह, पास्टर जी को जय मसीह। मैं खरड़ तो आया जी। खरड़ से आए। पिछले संडे में पहली बार ड्यूटी लगाई और गवर्नमेंट जॉब दी ब्लेस मिल चुकी है। तारीफ करेंगे जोर से, बोलो यीशु मसीह की बरकतों पे बरकतों पे। कितनी बड़ी गवाही है कि किस में, बॉन्सर में लगी थी। हाँ जी। देखो आपके सामने यहाँ पर के पहली बार बॉन्सर में यहाँ पर इसने ड्यूटी लगाई, इसकी ड्यूटी लगी। हम बॉन्सर को भी यहाँ पर हायर करते हैं कई बार बुलाने के लिए। और देखो जब इस भाई ने यहाँ पर आया, ड्यूटी लगी और क्या हुआ, परमेश्वर ने इसने सेवा में मन दिया कि नहीं। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये सेवा कर रहे हैं, सेवा का प्रतिफल आज रात स्वर्ग से जरूर आएगा आपके घर में भी यीशु मसीह के नाम में। देखो इसने क्या सेवा किया, ड्यूटी लगाई और आज ये गवर्नमेंट जॉब के साथ आ गया। पिछले संडे अभी सेवा दी थी। कौन है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ आपने इतनी सी भी सेवा की है उसका प्रतिफल आज रात आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें। जय जय शाबाश। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना, खुदा मिल गया। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। इवन यूपी से स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए आई है। ये बता रहे कि इनकी बेटी को, इस छोटी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ये बता रहे कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे जब इनको पता चला। विश्वास के साथ इस बहन ने इस बच्ची पर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और प्रार्थना भवन में फोन करके प्रेयर करवाया। ये बता रहे कि ये बच्ची उस ब्रेन ट्यूमर से बिल्कुल आजाद हो चुकी है, जिसको छोड़ूंगा, जिसको छोड़ूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ से आए बताए। पापा जी को जय एमसी की, सारी कलेसिया को जय एमसी की। हम यूपी मुरादाबाद से आए हैं। ये मेरी भतीजी है, इसको ब्रेन ट्यूमर था 3 महीने से। वहाँ देखो सामने, हाँ ब्रेन ट्यूमर था 3 महीने से। मुरादाबाद में भी मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बीकानेर दिखाया, वहाँ भी मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ये ठीक हो या नहीं हो। फिर हमें यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ आए, ऑयल वाटर यूज़ किया, अब ये चंगी हो गई है। हालेलुया। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की।
कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए? मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद यूपी से आए। क्या प्रॉब्लम थी आपको? ब्रेन ट्यूमर था मेरी भतीजी को। ब्रेन ट्यूमर था इनकी भतीजी को, और आप देखते हैं कि ट्यूमर का कई बार इलाज नहीं होता। कैसे ठीक हुए? ऑयल और वाटर यूज किया। ऑयल वाटर यूज किया। और अब रिपोर्टें आपके सामने स्क्रीन पर जूम करके दिखा कि ट्यूमर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये चर्च? मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। शाबाश शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बहुत कंफ्यूज है तू, बहुत कंफ्यूज है। मैं जिसको छू लूंगा, बताएंगे शाबाश गवाही के साथ। हालेलुया। प्रभु जी, ये बहन बता रही कि 5 साल से इनकी बेटी कंसीव नहीं कर पा रही थी, और डॉक्टर ने इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बोला था, लेकिन बहन विश्वास के साथ चर्च में आए और स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई। बता रहे आज परमेश्वर ने आशीष दी और 8 महीने से प्रेग्नेंट है। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। सुनेंगे शाबाश गवाही, सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। माइक ऊपर करो, शाबाश। मेरी बेटी की शादी को 5 साल हो गए थे, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने 14 नवंबर 2021 में स्पेशल ले हैंड कराई पापा जी से अपनी बेटी की फोटो पे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो पापा जी ने बोला कि उसको ऑयल भेज दो, सब चंगा हो जाएगा। डॉक्टर बोल रहे थे कि इनका IVF करवा लो, तो मैंने अपनी बेटी को मना करा, मैंने ऑयल भेजा। तो अब मेरी बेटी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। 5 महीने तक उसको ब्लीडिंग होती रही। मैं बार बार यहाँ से बोल रही थी कि ऑयल लगा के आज हमें वो बच्चा मिल गया। तारीफ करेंगे जोर से। देखो ये बहन बता रही है कि इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में थी, और इसने जब ले हैंड प्रे कराया, फोटो लेकर आई थी मेरे पास, और ये बता रही थी कि डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन मैं इसको बार बार कह रहा था कि परमेश्वर दया करेगा। इसका विश्वास था कि ब्लीडिंग होने के बाद भी बहुत सारी औरतें घबरा जाती हैं, लेकिन ये विश्वास से अपनी बेटी को बोल रही थी ऑयल लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर लिखा याकूब की पत्री में, कह रहा कि जो बीमार के ऊपर ऑयल लगाए, और कह रहा प्राचीनों को बुलाओ और बीमारों के लिए प्रार्थना करो और तेल मलो। अगर तेल लगाए बीमार विश्वास के साथ, कह रहा कितना भी बीमार क्यों ना हो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना का ऑयल है, आपकी जिंदगियों में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जब आप यहाँ पर आए हैं, आपके हाथ में अनॉइंटिंग वाटर होगा आज, है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और अनॉइंटिंग वाटर ऊपर करो, शाबाश। और इसी समय आप मिराकल देखेंगे। अभी जिसके पास है ठीक है, जिसको छोटी डब्बी मिली है जो अनॉइंटिंग वाटर की, वो अपने हाथों में पकड़ो, ऊपर करो, शाबाश। और इसी समय मेरे साथ वो अनॉइंटिंग वाटर आपने, मैं प्रेयर कर रहा हूँ और आपने पीना अभी, और पीने के बाद अभी 15 मिनट बाद आप देखेंगे हीलिंग आश्चर्यकर्म होंगे आपके साथ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके हाथों में अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल है परमेश्वर, जैसे ये अनॉइंटिंग वाटर पिए आज, जैसे अलीशा ने अनॉइंटिंग वाटर में पवित्र आत्मा पानी में, नए पानी में पवित्र आत्मा जी सच में नए प्याले में जब जल में नमक मिलाया, उस दिन से इज़राइल के अंदर से मेरे पिता परमेश्वर औरतों के जो गर्भ गिर रहे थे वो गिरने बंद हो गए परमेश्वर। मैं आज से प्रार्थना करता हूँ जब ये अनॉइंटिंग वाटर लें इसी समय, क्योंकि पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, आज जैसे ही ये पानी पिएंगे इनके अंदर पवित्र आत्मा मंडलाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मंडलाएगी यीशु मसीह के नाम में। इनका हर एक हड्डियों का अंग इसी समय चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। शरीर का हर एक हिस्सा चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर काम बनने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उसको पिए, हाँ यहाँ पर बैठ कर, हाँ हाँ ठीक है, शाबाश गवाही के साथ पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। हाँ जी हाँ जी, शाबाश। यीशु के खून से धो मुझे, यीशु के खून से। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, आगरा की सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, ये भाई बताए कि इनको काफी समय से माइंड में इन्फेक्शन हो गया था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये भाई कुछ समय के बाद पागल हो जाएंगे। ढोलकी मेरे पास आ जा। और ये बता रहे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे,
इनकी मदर को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि ये बिल्डिंग फंड के लिए बीच बोए और ये चर्च आए और यहाँ से स्पेशल प्रेयर करवा के गए। जैसे आपने ऑयल वाटर लगाकर इस भाई के लिए प्रेयर किया, इस भाई के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं, ये साथ हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे अभी हाथ मुक गए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं? शाबाश, हाथ नीचे करें। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं चौथे महीने में अपनी आशीषों को डबल देखेंगे। जो मिस्ट्री में लगातार 4 महीने लगातार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये क्रिसमस से अपनी आशीषें गिनना शुरू करोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आपको देखना है कि इस भाई ने बताया एक ने कि मैंने सेवा करने के लिए यहाँ पर पहली बार आया और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, गवर्नमेंट जॉब दे दिया। एक हरियाणा से सुबह चलता है और जलंधर पहुंचता है और वो 2 साल से आ रहा था, मतलब 250 किलोमीटर से वो जलंधर में हमारे चर्च में आता है सुबह। और परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा कि इसके लिए भविष्यवाणी कर कि मैं इसके दोनों बेटों को एक साथ गवर्नमेंट जॉब दूंगा। और जैसे दिन मैंने बोला उसके लिए और अगले दिन उसकी गवाही आ गई। आज वो वहां पर खड़ा हुआ, मैं उसकी गवाही ले रहा था। क्यों? क्योंकि कह रहा था मैं हर सुबह 4 बजे उठकर कह रहा आपके लिए स्पेशल प्रेयर करता हूं आपकी मिनिस्ट्री के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस तरीके से प्रेम रखते हैं उनके घर आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। शाबाश, गवाही के साथ कहां से आए बेटे, बताएंगे? शाबाश, आगरा से आया हूं। हां हां, क्या प्रॉब्लम थी बोलो? माइंड में इन्फेक्शन था आपको। और यहाँ से कोई एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था या ऑनलाइन देख रहे थे? कैसे ठीक हुए? प्रार्थना कराई थी? मेरी दीदी लेकर आई थी। आपकी दीदी लेके आई थी, चाचा लेके आया था, आए तो थे ना आप? हाँ। ऊपर करो माइक। आप यहाँ पर से कोई एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया था माइंड पर? हाँ। दिमाग पे लगाया था, ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। हाँ क्यों नहीं बोला अब? हाँ। अपने हाथों को उठाओ, यूपी के आजाद हो जाओ, तारीफ करो जोर से। हाँ, मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर। आपके सामने रिपोर्टें, एक्सरे सब कुछ है, आगरे से आया है। कम से कम भाई साहब हमारे लिए पिट्ठा तो लेके आएगा अगली बार। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से, जाए जाए शाबाश। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ, मैं जिसको छूलूंगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी बहन की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 13 साल से इनके पास कोई बच्चा नहीं था और ये बता रहे हैं कि 5 बार इन्होंने कंसीव किया पर 5 बार इनका मिसकैरेज हो गया इनकी सिस्टर का। और ये बता रहे हैं जब ये ऑनलाइन चर्च में बैठे हुए थे तो इन्होंने अपनी बहन के लिए प्रोफेसी को रिसीव किया और ये बता रहे 13 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें बेटे से ब्लेस किया है। कितने लोग सुन रहे हैं? 13 साल, 16 साल, 11 साल, 8 साल, 10 साल। आप आज गवाहियां सुन रहे हैं कि लोगों को बेटे की आशीष मिल रही है। छोटी बात नहीं है। जितने लोग 10-10 साल से आज यहाँ पर कोई भी ऐसा जन बैठा हो जो सोच रहा हूँ कि 10 साल से मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरे घर में कोई आशीष नहीं है, आज रात मैं कह रहा हूँ वो बंधन, वो शराब टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं। आज जो हालेलुया बोल रहे हैं आज फिर से कहो राइए राइए आज राइए 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 हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की, सारी मिनिस्ट्री को जय मसीह की। मेरी बहन यूपी में रहती है और उसके 5 बेटे हो चुके थे लेकिन वो किसी भी नहीं कर पा रही थी और मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी करवाई और सुनी और रिसीव किया। आए, क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोफेसी करवाई, पैसे दिए थे मेरे को? रिसीव करा। हाँ, प्रोफेसी को रिसीव किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहन का बेटा हुआ। बहन को बेटा हुआ, कितने साल से? 13 साल से। 13 साल से। बहन कहाँ है? यही है। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आप कहाँ से आए हैं? यूपी से।
यूपी से आए? बहन यूपी से आए, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। अरे यार कुछ भी हो, यूपी से आया तू? यूपी से आया, सारे कंफ्यूज करी जा रहे हो। यूपी से आया और आप बता रही है 13 साल से इसके पास कोई औलाद नहीं था, बेटा चाहते थे और ये भाई चंडीगढ़ में रहता है और इसको पता लगा जब यान लेकर आया, लैंड प्रे कराया था या अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था? प्रे सुनी थी बस। बस प्रेयर सुनी, तेरा भला हो जाए, तेरा घर बैठ के काम हो गया जी। फिर हमारी क्या जरूरत है यहाँ पे? वहां ऊपर वाले नहीं, सारे बोलो वो सुनता है, ऊपर से सुनता है कि नहीं? कह रहा घर बैठ के ऑनलाइन देख रहा था, 13 साल से बेटा नहीं है, आज बेटे के साथ आया। तारीफ करो चोर से, बोलो राइए 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 राइए। तोते बांगो तोते बांगो तोते बांगो, नच नच के ओदे नाम दी नहीं पाइए। तोते बांगो नच नच के, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे कि जब 23 नवंबर में राजपुरा ब्रांच की ओपनिंग हुई थी तो इस भाई की वहां पर ड्यूटी लगी थी, ये पंजाब पुलिस में है। अच्छा। तो इनका नाम राजेंद्र पॉल है और आपने प्रोफेसी किया था कि आपके बेटे को परमेश्वर यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस करेगा। गवाही के साथ आए हैं, परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। कैमरे के सामने, हाँ शाबाश। देखें पवित्र आत्मा सुनता लाली तो फटाफट बंद ना किया कर इसको। हाँ देखो शाबाश, देख रहे हैं कितने लोग देख रहे हैं, यूएसए का वीजा आ चुका है। चाटे खाने वाले काम कर, ओ कोई और चेंज कर कैमरे वाला यार, चलाटिया से चले इधर से कैमरे में। अब इसी समय आप देख रहे कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, बोलो हालेलुया। हाँ देखो देखो, अब इसी समय स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ लिखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बोलो हालेलुया। क्या हालेलुया, क्या नाम है? प्रभजोत पॉल। प्रभजोत पॉल, हाँ हाँ सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, शाबाश जी बताएंगे। मेरे फादर की उस दिन वहाँ पे ड्यूटी लगी थी जिस दिन जनसुआ राजपुरा ब्रांच ओपन थी, और वो पुलपिट के पास खड़े थे और हम फर्स्ट टाइम आए थे उस दिन, तो आपने उनका नाम लेके उन्हें बुलाया और कहा कि आपके बच्चे सबसे अनॉइंटेड होंगे आपकी फैमिली में, और जो आपकी सारी फैमिली को सारे कुर्बे को परमेश्वर फॉरन की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। तो आज एक साल भी नहीं हुआ और सबसे पहले मेरे पासपोर्ट पे जो है यूएसए का वीजा आ चुका है, जो स्टडी वीजा जी है। सुनो ये मोबाइल में भी रखी हुई रिकॉर्डिंग, हाँ सामने लेके आ, थोड़ा कैमरे के सामने लेकर आ, सुनेंगे ध्यान से देखो। हाँ चलाओ चलाओ, शाबाश। सेवा के लिए खड़े हैं यहाँ पर, आपकी ड्यूटी लगी है, परमेश्वर इनके घर में से इनके पूरे कुनबे को फौरन की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। मैं जिसको छू लूं, मैं जिसको छू लूं, कौन जाना चाहता है? माइक बोलता है, बेटा जाना चाहता है, इनका बेटा फौरन जाना चाहता है, ट्राई कर रहे हैं? कितने कितने समय से? 2 साल से कनाडा जाने की ट्राई कर रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुझे होली स्पिरिट ने दिखाया कि आज इन पुलिस वाले इंस्पेक्टर को भी दिखा दे, यहोवा जोरावर पूरी करेगा, कनाडा जाएगा तेरा बेटा। फौरन की आशीष, अपने हाथों को उठाओ जोर से, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि यूएसए और कनाडा एक ही बॉर्डर पर है, बोलो हालेलुया हालेलुया। और इस फैमिली को देखो, ये ड्यूटी पे थे उस समय और मैंने इनको आवाज लगाकर बुलाया था, मैंने कहा इधर आओ, आज यहोवा जोरावर दिखाएगा यहाँ और ब्रांच ओपन हो रही है कि परमेश्वर जो पुलिस वाले नहीं विश्वास करते उनके बच्चों का भी फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। yes. और आज यूएसए के साथ आया, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश, ठीक है शाबाश। हालेलुया प्रॉफिट जी, ये बहन अपनी बेटी की गवाही दे रही है, ये वीडियो ले लें से। हाँ जी हाँ जी, ये बहन अपनी बेटी की गवाही दे रही है, ये बता रहे कि 5 महीने से इनकी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी थी और ये बहुत परेशान थे, पर ये बता रहे हैं जब ये चर्च में आए इन्होंने भवन के लिए स्पेशल बीज बोया और बता रहे हैं कि इन्होंने रिसीव किया प्रेयर को। ये बहन बता रहे हैं कि ये इनकी बेटी नॉर्मल रिपोर्ट से ब्लेस हो चुकी है, पीसीओडी जा चुका है। मैं जिसको छू लूंगा,
शाबाश बेटे, कहाँ से आए देखो बताएंगे फटाफट। मुंबई से आई हूँ मैं। मुंबई से? Yes. क्या प्रॉब्लम थी आपको? बेटी को पीसीओडी हुआ था 5 मंथ से। मैं आपके चर्च में लेके आई, मेरी बेटी ठीक हो गई। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे को? पेट में दर्द होता था। पेट में दर्द होता था? Yes. बेहोश टाइप हो जाती थी? नहीं, बेहोश नहीं होती थी, पेट में प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा, जब यहाँ पर लेकर आए? मैं लेकर आई एनोइंटिंग वाटर और सॉल्ट लिए, एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ऑयल लगाया। उससे मेरी बच्ची चंगा हो गई। आप उसको ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देख रहे हैं आप, रिपोर्ट लेकर आई है। महाराष्ट्र से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, यूपी से, बिहार से, पंजाब, हरियाणा से लोग बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है कि जाओ एक बार विजिट करो, मिराकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, जोर से तारीफ करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया प्रॉफिट जी, लाइन जो आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन बेबी बॉय ब्लेसिंग की है। वो भाई बता रहे 12 साल से, इस बहन के सिस्टर को 9 साल से, इनको 2 साल से, इनको भी 9 साल से बेबी बॉय नहीं था। जैसे इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर लगाया, आज बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। चावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद सुने, चावे ना किसे तो खोया। यीशु मसीह की आप सुन रहे हैं कि नहीं? कितनी गवाहियां आपने सुन ली, 16 साल, 18 साल, 10 साल, 7 साल। वो सास भी आई थी 7 साल वाली, दिल्ली से। और देखो अभी ऊपर उठाओ। हाँ, कितने कहाँ से आए? बिहार से। नीचे तो नीचे कर ले। बिहार से जी। 9 साल से आपके पत्नी को बेटा नहीं था? नहीं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इधर आओ। 2 साल। स्पेशल लैंड प्रेयर कराई, स्पेशल लैंड प्रेयर कराए और बीज बो के प्रेयर कराए, उसके बाद बेटा मिला। उसके बाद बेटा मिला, कल ही हुआ है, अभी बेटा कल ही हुआ है, उसका नाम सामर्थ रखे हैं। हाँ, ठीक है, शाबाश। मेरी दीदी को 9 साल से बेटा नहीं था, बेटा हुआ के साथ ब्लेस हुआ हूं। बेटे के साथ ब्लेस हुए 9 साल। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आप कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से। हाँ, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कितने साल से बच्चा नहीं था? 12 साल। 12 साल से बेटा नहीं था? बेटा नहीं था। अब मिल गया? मिल गया। कैसे मिला? ऑनलाइन, घर बैठ के। हालेलुया, सारे बोल हालेलुया। हालेलुया, सारी तो मौज आ गई भाई, घर बैठ के ही आशीष मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। चार्ज बोलो। ओ मौजा लग गई आने, ओ मौजा लग गई आने, ओ मौजा मचा 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 मचा। बोलो 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 यीशु मसीह की। देखो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, किसी ने ले हैंड, किसी ने बीज बोया। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं वैसे करो। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी बाइबल के अंदर एक तरीके से चंगाई नहीं दिया। कभी किसी ने उसका कपड़ा छुआ, किसी ने तेल लगाया, कभी कि यीशु मसीह ने उठाकर थूक लगा दिया मिट्टी से, अंधा देखने लगा। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो बोला जाए, जो प्रॉफिट के मुंह से निकलता है वो परमेश्वर की ओर से, आप समझ रहे कि नहीं? विश्वास करना। हाँ हाँ, गवाही के साथ। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रही इनकी माता का कुल्ला फ्रैक्चर हो गया था और जिसकी वजह से चल फिर भी नहीं पा रही थी। विश्वास के साथ इस बहन ने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया। ये बहन बता रहे वो हड्डियां जुड़ चुकी है, ये माता आजाद हो चुकी है। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे सर। पटियाले से आई है पास्टर जी। पटियाले से? हाँ। क्या लगती है आपकी? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। अभी कुल्ले का प्रॉब्लम था। हाँ, और आपने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। हाँ, आपकी मम्मी ठीक होगी। देखें, हॉस्पिटल में पड़ी थी, जूम करके दिखा उसको। वेंटिलेटर पे थे, इनका ना हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉस्पिटल लेके आई वेंटिलेटर। फिर मेरे को पता लगा, मैं और जल और ऑयल लेके गई, फिर वो मैंने पिलाया मम्मी को, तो बिल्कुल ठीक हो गई। और बिल्कुल बेड पे थे, बिल्कुल बोल भी नहीं रही, एक महीने ना होश भी नहीं था, पर प्रभु ने इतना अनुग्रह कराया कि मेरी माँ ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई? ऑयल मैंने इनके मुंह में डाला, यहाँ से लेके गई, जल डाला और मिट्टी उठा के ताजपुर चर्च की इनके मुंह में डाल दी थी मैंने। तारीफ करो, जोर से बोलो यीशु मसीह की। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे। जय मसीह। पापा जी, मैं 2 तारीख को जब आप यहाँ आई थी तो एंटी ऑयल और वाटर लेके गई थी, तो रखा ही। तो 14 तारीख को मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा अटैक पड़ा,
हार्ट अटैक पड़ा इनको, ब्रेन हेमरेज, तो मुझे नहीं पता, एकदम वो हो ही गए थे बिल्कुल, आँख वाँख हो गई। तो मैंने, मुझे कुछ नहीं सुझाया, मैंने तुरंत ऑयल और मुंह में डाला और हार्ट पे वो किया मालिश की और वाटर लगाया तो इनको होश आ गया। तारीफ करें जोर से, सुन रहे हो आप इस गवाही को, सुन रहे हो, कहाँ से आए आप? यूपी से आए। यूपी से आए, जिनके पति को जब हार्ट अटैक का, उसी समय जब हार्ट अटैक हुआ तो इसने ऑयल लगाया और बिल्कुल चंगा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुनो, वो औरत एक बात बोल रही है, कह रही मुझे कुछ नहीं सूझा, उसमें मुझे सिर्फ याद आया कि ऑयल वाटर पास्टर जी बोलते हैं जाकर लगाओ, और इसने लगाया। मैं फिर कह रहा ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाही है, जो लोग बोलते हैं कि रस्ते में जा रहे थे, अटैक आ गया, हमने अनॉइंटिंग वाटर डाला और उसी समय हमारे डैडी, हमारा परिवार बच गया, सुरक्षित हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग विश्वास के साथ जब आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है, यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, सुनेंगे ध्यान से। भतीजा फिट्स पड़,